खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी की मुख्य कार्यकारी कमेटी में शामिल हुए, बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर कमेटी में रहेंगे। एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति का कार्यकाल रविवार को समाप्त, बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने ऐलान किया, 2015 में नियुक्त हुए थे प्रसाद। धोनी की T20 वर्ल्ड कप में खेलने के सवाल पर गांगुली का दो टूक जवाब, कहा कृपया उन्हीं से पूछ लीजिए। अब आईपीएल में होगा एक नो बॉल अंपायर, बीसीसीआई की सालाना बैठक में लिया गया फैसला, पिछले साल आईपीएल में नो बॉल को लेकर अंपायर की हुई थी काफी आलोचनाएं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हालत खराब, लगातार दूसरी बार पारी से हार सकता है पाकिस्तान। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 39 रन पर अपने 3 विकेट गंवाए थे, पहली पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 302 पर ऑल आउट हो गई थी। यासिर शाह और बाबर आजम को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाया, यासिर ने 113 और आजम ने 97 बॉलों की पारी खेली, रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी हार की कगार पर खड़े पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा की सलाह, भविष्य में कभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा न करें। 13 शतक जड़ने वाले डेविड वार्नर ने अपनी ऐतिहासिक पारी के पीछे वीरेंद्र सहवाग को बताया प्रेरणा, बोले सहवाग ने लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलने की सलाह दी। लारा के रिकॉर्ड पर बोले वार्नर, रोहित शर्मा ऐसे इकलौते बल्लेबाज जो लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ब्रायन लारा के नाम एक पारी में 400 रन बनाने का कीर्तिमान है।